खुद को बताता है शास्त्र नहीं शस्त्र वाला ब्राह्मण, उम्र है सिर्फ 18 साल। कौन है लवनेश तिवारी जिसका नाम पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग पर है जारी? मूछो बताओ, न मौत का डर था और न ही योगी के गुस्से का भय, इलाहाबाद के आतंकी अतीक का कर दिया अंत बोल के जय। बजरंगबली का है भक्त परशुराम का शिष्य, नारा लगाते हुए कहता है जय लंकेश। अमेरिका और पाकिस्तान वाले भी कर रहे हैं गूगल पर सर्च, कौन है अतीक का अंत करने वाला वो बहादुर लड़का। जी यही वो फोटो है, यही वो लड़का है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया, गूगल पर मशीन की तरह सर्च हो रहा है। यूपी के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो एक रात में हो गया। पूरे यूपी में सन्नाटा पसरा हुआ है, हर एक जिला छावनी में तब्दील हो रखा है। बीती रात प्रयागराज में 3 लड़कों ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर ताबड़तोड़ 17 गोलियां दंदरादन बरसा दी और बस कुछ ही सेकंड में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का काम तमाम हो गया। इसके साथ ही प्रयागराज और उसके आसपास के कई जिलों से माफिया गिरी का भी अंत हो गया। अचानक से हुई हत्या पर पूरा यूपी सन्न हो गया और पूरे भारत में इन गोलियों की गूंज सुनाई दी। घटना के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा है कि कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे। वहीं पुलिस ने 3 हमलावरों के नाम उजागर कर दिए हैं, जिनमें इन 3 लड़कों की पहचान अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह के रूप में हुई है। पुलिस इन 3 का इतिहास खंगाल रही है, जिनमें कई बड़े राज खुलकर सामने आ गए हैं। और अब सवाल ये है कि आखिरकार इतने बड़े बाहुबली माफिया को इन 3 लड़कों ने किसके इशारे पर और कैसे इस घटना को अंजाम दिया, वो भी तब जब अतीक और अशरफ के साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। तो चलिए अब आपको इस घटना को अंजाम देने वाले उन 3 लड़कों की कहानी बताते हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ का अंत किया है। नंबर 1, लवलेश तिवारी। लवलेश तिवारी के फेसबुक बायो की बात की जाए तो तिवारी का नाम यहाँ महाराज लवलेश तिवारी बताया गया है। बायो पर नजर डालने पर यहाँ काफी कुछ लिखा नजर आता है। सबसे पहले लवलेश ने लिखा है जय दादा परशुराम, जय लंकेश। इसके बाद लिखा है हम शास्त्र वाले ब्राह्मण नहीं शस्त्र वाले ब्राह्मण है। थोड़ा नीचे आने पर और विवरण देखने पर बजरंग दल से कनेक्शन है। वही लवलेश खुद को बजरंग दल का जिला सह सुरक्षा प्रमुख बताता है। इसके साथ ही बायो के मुताबिक लखनऊ के JNPG कॉलेज से उसने पढ़ाई लिखाई की हुई है। इसके साथ ही बांदा से अपनी स्कूलिंग पूरी की है। लवलेश लड़की को थप्पड़ मारने के मामले में पहले जेल जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक डॉन बनने के फेर में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लवलेश के पिता यज्ञ तिवारी ने बताया कि लवलेश नशेड़ी है और हमेशा नशे में ही धुत रहता है। उन्होंने बताया कि लवलेश ने इंटर पास करने के बाद BA में दाखिला लिया था। कभी कभी ही बांदा आता है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे अपराध करने लगा। उन्होंने बताया कि आज सुबह उन्होंने TV पर देखा तो पता चला कि उसने कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी है। पिता ने बताया कि वो कहां जाता है और क्या करता है इसकी जानकारी उनके घर में किसी को नहीं है। आरोपी लवलेश की मां का कहना है कि उनका बेटा बजरंगबली का भक्त था, दूसरों की बहुत मदद करता था, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। लवलेश के पिता स्कूल बस ड्राइवर हैं। लवलेश का फोन भी बंद आ रहा है। उसके पिता का कहना है कि हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, सनी सिंह हिस्ट्री शीटर। सनी सिंह भी हिस्ट्री शीटर है। सनी सिंह पुत्र जगत सिंह का हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। उस पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि सनी कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी के संपर्क में था। सनी सिंह की माँ अपने मायके में रहती है, वहीं पिता और एक भाई का देहांत हो चुका है। पिछले कई सालों से कोई वास्ता नहीं है। वो कुरारा थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास रहता था। आरोपी हत्या का प्रयास लूट जैसे संगीन अपराधों में लिप्त था। वो कई सालों से अपने घर में नहीं आया। पिछले 10 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। नंबर 3, अरुण मौर्य। अरुण मौर्य कासगंज के सोरो जिले का रहने वाला है। उसका गाँव का नाम बघेला पुख्ता है। अरुण के माता पिता की मौत हो चुकी है। अरुण मौर्य के चाचा चाची से पुलिस ने पूछताछ की है। आधा कच्चा पक्का मकान बना हुआ है। अरुण का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। उसने GRP के कांस्टेबल की हत्या की थी। लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह 3 अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। फिलहाल अभी लगातार पुलिस इन 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है और कई बड़े राज खुलने भी बाकी हैं। इनमें सबसे बड़ा राज खुलना तो बाकी ही है, जिसमें देखना होगा कि क्या किसी बड़े नेता या फिर किसी संगठन का इसमें हाथ तो नहीं है। इन 3 आरोपियों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी राय हो अपनी कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ पेज को